तो देखिए बंधुओं, आज हमारे यहाँ पर लग रहा है ये सोलार सिस्टम, सोलार पैनल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा घर के ऊपर, और ये सोलार हमको क्यों लगाना पड़ रहा है कि कहाँ कैसे कितना लगेगा, इसका पूरा गणित मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से सोलार वगैरह जो सोलार पैनल लगाए जाते हैं ये कैसे लगाए जाते हैं। पहले तो यहाँ अगर आपको लगवाना है तो जो भी इनके कंपनी से है कोई बंदा आएगा, मार्केटिंग वाला आएगा, वो आपको सारे डिटेल्स बताएगा। तो जो आने वाला आपका नेक्स्ट बिल है वो कितना एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से वो पूरा एक कैलकुलेशन करके कि आपको कितने पैनल्स लगाने चाहिए। हमारे यहाँ पर लग रहे हैं 15 पैनल्स, और ये उन्होंने ही डिसाइड किया था, हालांकि वो तो 14 बोल रहे थे, मेरा मन था कि 16 लगाते हैं, लेकिन वो चलो बीच में एक दो बार कुछ एक दिन ये आ करके और लौट गए थे, क्योंकि इन्होंने जो देख करके छत बताया था कि इधर लगेंगे इधर लगेंगे। जनरली क्या होता है, ईस्ट साइड में और नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रेलिया में लगाए जाते हैं पैनल्स, लेकिन हमारे ईस्ट और नॉर्थ में इतनी जगह नहीं थी कि 15 पैनल्स जो हैं लग पाते, अकोमोडेट हो पाते। तो फिर साउथ साइड में भी उधर लगाना है, साउथ में हालांकि जगह है, तो मेरा मन था कि इसमें एक दो पैनल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो साउथ साइड में है वो लगभग, यहाँ मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे मतलब नॉर्थ और ईस्ट की अपेक्षा साउथ में लगभग 28% कम बिजली जो है जनरेट करते हैं पैनल्स। तो खैर ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें टोटल जो हमारा लग रहा है इसमें $14,000 का खर्चा है, और इस 14,000 में से लगभग $2,500 जो है गवर्नमेंट रिबेट देती है, और उसके बाद हमने तो हो गया लगभग 11,500। और फिर वो जो बंदा मार्केटिंग वाला था, क्योंकि हम और हमारे एक मित्र जो हैं आकाश वर्मा जी, तो उनका तो खैर 2-3 दिन पहले लग गया है, लगना हमारा भी पहले हमारे ही यहाँ आए थे, लेकिन वही हुआ कि यहाँ से इनको लौट करके जाना पड़ा, क्योंकि तब तक इनके पास में एग्जैक्ट वो नहीं था प्लेसमेंट की कहाँ पे कैसे लगाना है। खैर बाद में फिर वो आया, फिर उसने डिसाइड किया, हमारा डिस्कशन हुआ, तो लगभग $800-900 जो है उसमें हमको उसने छूट डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, क्योंकि हम दो लोग लगवा रहे थे, तो आकाश जी को भी और हमको भी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10-10.5 हज़ार के मतलब 10,500 समथिंग, ओके 10,800 के आसपास का हमारा टोटल खर्चा है। और ये चाहें तो आप एक बार में भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो उसका आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। तो हमने तो 5 ईयर्स का इनका होता है इंस्टॉलमेंट का, तो कितना मंथली हमारा पड़ रहा है पाणी जी? 190। तो $190 लगभग जो है तो महीने का हमारा इंस्टॉलमेंट है जो हमको देना है। तो वो जो हमारी बिजली का बिल है उससे थोड़ा सा कम ही होगा ये, प्लस बिजली का बिल भी आएगा, क्योंकि अच्छा एक बात और बता दें कि जैसे हमारे यहाँ पे इतने सारे पैनल लगे हैं, तो अगर ज़्यादा बिजली जनरेट होती है तो वो ऑटोमेटिक जो है इनका मीटर लगेगा, और वो यहाँ की जिस कंपनी से हमने ले रखा है उसी कंपनी को जाएगा, तो वो पर यूनिट हमको कुछ 12 सेंट्स पर यूनिट के हिसाब से हमको भी वो पैसा क्रेडिट मिलेगी। तो खैर बाद में कुल मिला जुला करके एक जैसा होता है, तो 4-5 साल हमको पेमेंट करना, हम चाहें तो बीच में भी पेमेंट करके और ख़त्म कर सकते हैं इसका जो लोन वीन है, लेकिन हम करेंगे नहीं, हमको लगेगा कि भाई चलो हम बिजली का बिल ही भर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद में हो जाएगा फ्री। इसका जो इन्वर्टर लगता है उसकी 20 ईयर्स की वारंटी है, और जो पैनल्स इसमें लग रहे हैं ये 15 पैनल्स, उसकी 30 ईयर्स की गारंटी है। साथ में जो अपना होम इंश्योरेंस होता है, तो उसी होम इंश्योरेंस में हमें इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके ये चीज़ भी एड ऑन करनी पड़ेगी कि हाँ हमने पैनल्स लगाए हैं, तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, टूट फूट जाते हैं, तो ये वहाँ से कवर होगा। तो कुल मिला जुला करके जेब से हमारे अभी तक 4 आने नहीं गया है, और जो हमको बिजली का बिल भरना है उसी बिजली के बिल के जगह हमको इसका पैसा 5 साल भरना है, उसके बाद में हो जाएगा फ्री। $30-40 जो है 3 मंथ्स में हमारा बिजली का बिल आएगा। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि सर्दियों में सूरज नारायण थोड़े से ठंडे होते हैं, उतने गर्म नहीं होते हैं। तो ये था डिटेलिंग, मुझे लगा कि आप लोगों को बताता हूँ भाई, ये एक न्यू डेवलपमेंट यहाँ पर हमको मजबूरी में करनी पड़ रही, हम करते नहीं लगवा तो हम पिछले साल भी सकते थे, और हमने एक बार बुलाया भी था, लेकिन फिर हमने उस चीज़ को डिले कर दिया, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा था, बिजली का बिल 450-450 आता था, पर हमारा लास्ट बिल जो है तो लगभग $600 आया था, प्लस गैस का भी अप्रॉक्सीमेटली 550-600 के आसपास आया था, और अभी कल ही शाम को आया है बिल, और वो 1,000 बिल आया है केवल इलेक्ट्रिसिटी का। तो भैया उसके पहले हालांकि हम ये सब डन कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर जून जुलाई से जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है बढ़ने शुरू हुए हैं, कंपनियों ने सबने बढ़ा दिए हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, प्लस पता नहीं ये सही है गलत है या कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है भैया, कंजम्पशन भी बढ़ा दिया है, जबकि लास्ट ईयर से इस साल हमने बहुत कम कंज्यूम किया है हमारे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम 12 घंटे तो ऑफिस में होते हैं, बाहर होते हैं, घर में होते ही नहीं है, बट एनीवेज
अब ये लगने से थोड़ा सा जो बढ़ रहा है बिजली का बिल, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होगा। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपके पास हाउस है, यूनिट वगैरह में पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, हाउस टाउन हाउस वगैरह में लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, तो लगाइएगा। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। ये देखिए पैनल्स का साइज कितना बड़ा है। ओके लुक, देखिए कितने बड़े बड़े पैनल्स हैं। तो कुल मिला जुला करके सोलार पैनल लगाने में इंडियन रुपीज़ में खर्चा है 7.5 लाख रुपए का, जिसमें से कुछ रिबेट भी है गवर्नमेंट की और कुछ कंपनी ने हमको छूट भी दिया हुआ है। तो ये है ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीन दिशाओं में लगेंगे। तो पहले इन्वर्टर जो है इनका वो 2 कनेक्शन वाला था, तो इसके लिए पिछली बार ये आकर लौट गए थे, और अब जो है तो 3-वे कनेक्शन होगा उसका इन्वर्टर का, क्योंकि 3 डायरेक्शंस में पैनल्स लगने वाले हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए भैया, नवरात्रि की है आज अष्टमी, तो अष्टमी में मैं तो भाई व्रत वगैरह अब नहीं रखता, क्योंकि डायबिटीज को तो ज़्यादा लंबा गैप नहीं रख सकता, पर पांडे जी का है अष्टमी का व्रत। ये देखिए बनाए हैं सिंघाड़े के आटे के पराठे हैं ये, और आलू की सब्जी और दही, तो वही उसी का नाश्ता हो रहा है। इधर आओ। हाय एवरीबॉडी। और अंशिका का आज भी जाना है कहीं पे, कन्या भोज है आज, चूँकि लोग करवाते हैं, तो बस अब तैयार हैं, इनको लेकर के चलने वाले हैं हम लोग, है ना बेटा? आर यू रेडी? आई एम रेडी। इसके बाद कहीं और जाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अंशिका, तुम्हारे कपड़े रखे तुमने? जाओ उस बैग में रख लो, तो ऑफिस में चेंज करेंगे। मज़ा आ गया भाई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं कि नहीं, और रखते हैं तो कितने दिन रखते हैं, आई मीन पूरे 9 दिन का, या शुरू के आखिरी के, या केवल अष्टमी, या अष्टमी नवमी, कैसा आपके व्रत का साइकिल है बताइएगा। अब देखिए भाई, बड़ी समस्या में फंस गए हैं, किसी के यहाँ हमको जाना है लंच पे संडे को, तो उनको हम सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ की कल्चर है कि कुछ गिफ्ट के साथ में कुछ अल्कोहल वगैरह या वाइन वगैरह ड्रिंक वगैरह दिया जाता है, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ एक इंग्लिश लेडी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, मैंने बताया सब उनका कि वो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन नेवी में हैं, और प्लस उनकी एज वगैरह का आइडिया दिया। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, और मुझे तो एकदम ड्रिंक का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ। तो वो अपने हस्बैंड को लेने गई हैं, बेचारे बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो अपने हस्बैंड को लेने गई हैं कि उनको ज़्यादा आइडिया रहेगा। हालांकि उन्होंने एक दो गेस्ट बताए मुझे, पर बोली अच्छा रुकिए, मैं अपने हस्बैंड को लेकर के आती हूँ, वो आपको प्रॉपर बताएंगे। तो ये होता है भैया, अगर जानकारी ना हो किसी चीज़ की। हालांकि यहाँ पे ये देखिए सब रेट्स वगैरह लगे हुए हैं, वो आ गई, उनके हस्बैंड भी आ गए हैं, देखिए ये आ गए हैं, अब मैं इनके साथ में बातचीत करके देखता हूँ। सो फाइनली जो है उनके हस्बैंड आए, और उन्होंने बहुत अच्छी जो है तो स्कॉच बताई। अब देखिए, मुझे तो पता होता था नहीं, तो ये है देखिए, ये 96 डॉलर्स की है। कई बार लोग कहते हैं कि आप इंडियन प्राइस में ना बताया करें, लेकिन अब बताना पड़ता है भैया, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, कोई कंपेयर और सब नहीं करता हूँ मैं, तो इनको पीता ही तभी नहीं, तो मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं। अरे पूछो इसका बैग भी देगी कोई? 96 डॉलर्स का मतलब हो गया इंडियन रुपीज़ में लगभग 5,400 के आसपास की ये एक बॉटल स्कॉच है। अब वो मुझे तो भाई ब्रांड वैंड और सब पता नहीं है। देखिए हाँ, ये है कि अगर आपको कई बार नहीं कुछ पता होता तो लोग हेल्प करने वाले मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे थे वो हस्बैंड एंड वाइफ। अब कल किसी को गिफ्ट करना है, हालांकि एक हमने खरीद लिया ऑलरेडी कुछ, भैया गोरों की कल्चर है तो उनके साथ में उन्हीं की तरह व्यवहार करना पड़ता है। देखिए आज हमारी शाखा में 3-4 शाखाओं ने मिल करके और विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि HSS में, आई मीन इंडिया में जिसे RSS कहते हैं, उसे ही विदेश में HSS कहते हैं, मतलब हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो ये विजयदशमी का पर्व आज देखिए मनाया जा रहा है, और यहाँ का गणवेश होता है, ऊपर सफ़ेद कलर की टी शर्ट होती है और नीचे ब्लैक कलर का पैंट होता है, क्योंकि अब हम घर से निकल आए हैं और आज हमारा पूरे दिन का काम है, तो मैंने अब वो शर्ट टी शर्ट नहीं पहनी है, मेरे पास भी है ये गणवेश जो लोगों ने पहन रखा है।
तो इधर कई ग्रुप्स में जो है उधर महिलाओं का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, और इधर आपने देखा भी पुरुषों का हो रहा है। इधर हमारा जो है तो ध्वज वगैरह लगा हुआ है, तो अभी कुछ खेल वगैरह कर रहे हैं क्योंकि खेल प्रतियोगिताएं वगैरह करते हैं ताकि सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सकें और एक दूसरे को के साथ अच्छा परिचय हो सके, अच्छी बॉन्डिंग हो सके। तो आज पूरा दिन जो है इसी तरह से रहेंगे और इसके बाद में दोपहर में हमें किसी के यहाँ लंच पे जाना है और उसके बाद आपको लेकर के चलेंगे हम, यहाँ पर हो रहा है दिवाली मेला, तो वहाँ जाएंगे। तो बने रहिएगा, आज देखिएगा हमारा ये ब्लॉग एंड तक। Oh, did I scare you? Oh, yeah. Good. You taste much better when you're scared. अरे इसकी तो आंखें लाल हैं भाई। Oh, very good. ये बाइक के ऊपर इन्होंने बैठाया हुआ है स्केलेटन। ये यहाँ पे हेलोवीन की तैयारी हुई है, इन्होंने सजाया है। और ये क्या है? मकड़ी। स्पाइडर। ओह, ये इसे स्पाइडर। काफी बड़ा है। Yeah. ये देखिए भाई, स्केलेटन है योगा करते हुए। बहुत ही सुंदर है। Yes. Yeah. तो ये देखिए सामने बारबेक्यू है, इसमें ये पिज्जा बना रहे हैं। ये हैं डैरेन और ये हैं वंदना जी, इनके हस्बैंड हैं, और ये हैं इनकी सुपुत्री। यह है इनकी सुपुत्री, इनका नाम है वेदिका। नाम बहुत अच्छा है और इसी तरह से इन सबका जो संस्कार भी हैं बहुत अच्छे हैं। और डैरेन बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही अच्छे ग्रेट मैन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और नेवी में हैं। और ये देखिए, इन्होंने प्योर वेजिटेरियन पिज्ज़ा बनाया है और सैलड वगैरह प्रिपेयर की है, और अभी और भी पिज्ज़ा वगैरह बन रहे हैं। तो आज इन्हीं के साथ में हमारा लंच है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पिज्ज़ा। आपको आपको इनके हाथ का बनाया हुआ खाना वगैरह अच्छा लगता है? Yes. इसके अलावा भी कभी ये बनाते हैं घर में? Every second night. Every second? Yes, मुझे मौका नहीं मिलता। And do you like Indian food? No. What is the main reason? Spicy? Spice. It's not the spice. Well, meat is one thing, but I don't like anything Indian cuisine? I like a little bit. Yeah. A little bit. That's okay. That's why I cook one day and he cooks another day. Yeah. Oh. He cooks his Australian stuff, which kids eat. मैं रांची झारखंड से हूँ। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुश्री घोष है। अच्छा जी, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे BNSW का दुर्गा पूजा हो रहा है। आप अगर देखें तो यहाँ पे अभी आरती होने वाली है। यह देखिए मित्रों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की दुर्गा पूजा हो रही है। आप सामने देख सकते हैं काफी लोग आए हैं। ये यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल से रिलेटेड है, तो इसमें काफी लोग हैं। ये नहीं है कि इसमें केवल बंगाली पीपल हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स के लोग भी हैं, क्योंकि मेरी यहाँ कई लोगों से बात हुई। वो तो मैं अचानक यहाँ पर अंशिका को क्लास में लाया था, उसका स्विमिंग क्लास थी, तो मैं वॉक कर रहा था तो मैंने देखा यहाँ बहुत सारे लोग अपने इंडियन जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आ रही थी महिलाएँ, तो देख के मैंने पूछा। तो सामने देखिए कितनी दिव्य मूर्ति है माता जी की। विदेशों में रह करके भी अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए बंधुओं, आए हैं हम लोग यहाँ पर डिनर करने, और ये है इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है पंडित जी? क्लेवर चाची। और ये है कासल हिल में, और एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है, बंदे भी अच्छे हैं। अभी बात हुई, मैंने ऑर्डर वगैरह किया। हालांकि हमारे साथ में भी आने वाले हमारे मित्र आकाश जी, वो रास्ते में 2-5 मिनट आगे पीछे होगा उनको, लेकिन मैं 7 बजे बाद में खाना नहीं खाता हूँ, और अब लगभग 6:15 बज चुका है। हमने सिंपल सा जो है तो ऑर्डर किया, हमने दाल तड़का ऑर्डर किया है और पालक पनीर और बटर रोटी मैं खाता हूँ, और ये लोग कौन सी नान खाते हो तुम लोग? गार्लिक नान। तो कर दिया, मैं आपको यहाँ का एम्बियंस बैठे बैठे दिखाता हूँ। और अभी 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड का शुरू होने वाला है मैच, तो यहाँ सामने लगी है TV, तो इसके लिए हम अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर साइड में बैठे हैं। ये है देखिए रेस्टोरेंट, बार वगैरह सब कुछ है यहाँ। भाई जिसको पीना वीना रहता है उनके लिए तो अच्छा है। ये देखिए बंधुओं, यहाँ पर दीपावली के पहले ही, लगभग 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर दीपावली का मेला लगा हुआ है,
और हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि हम लोग खाना वाना खा करके आराम से आए हैं। तो काफ़ी पब्लिक जा चुकी है लेकिन अभी भी स्टिल अभी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आकाश जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो माधुरी का पक्का गाना चल रहा है, माधुरी दीक्षित वाला गाना चल रहा है। तो ये है देखिए यहाँ इस तरह से, अब दीपावली के सिडनी में इस तरह के कई मेले लगने वाले हैं अभी हर वीकेंड में। हाँ ये वन ऑफ देम है और नहीं यहाँ पे काफ़ी कम है। हाँ तब यहाँ पे लगा है, अभी तो पैरामाटा साइड में लगेगा। पैरामाटा पार्क में बहुत बड़ा लगता था, अभी इस साल पता नहीं कोविड के बाद से थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। बट एनीवेज अभी हमारे हैरिस पार्क में तो लगने ही वाला है। ये देखिए